हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुलगुले जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स से ही बन जाते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसे बड़े से लेके बच्चे सभी पसंद करते हैं। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक छोटा चम्मच सौंफ, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। एक कप आटा, ये नॉर्मल आटा है जो हम घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। 1/4 कप चीनी, 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और तलने के लिए ऑयल। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम आटा डालेंगे, चीनी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें इसे सारे लम्स ना खत्म हो जाए और इसमें चीनी पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें हम सौंफ डालेंगे, कोकोनट पाउडर डालेंगे, इलायची का पाउडर डालेंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम ऑयल को गर्म करने के लिए रखेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम पकौड़े डालते हैं उस तरह से हम इसमें आटा का मिश्रण डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से डालेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम पे रखा है। इसे हाई फ्लेम पे ना फ्राई करें वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जैसे ये एक तरफ से पक जाएंगे, हम इसे पलटा लेंगे और दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। गुलगुले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा सुनहरा का रंग आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे गुलगुले बनकर तैयार है। मैं आपको एक गुलगुला तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये काफी जालीदार बने हैं। ये देखिए, काफी जालीदार गुलगुले बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।